अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। अब जाए ना, उनको कौन रोका है? पहले जो घोषणा किए हैं उस पर कायम रहे, दिल्ली तक यात्रा कर ले, तब ना हम लोग समझेंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के अब विपक्ष के तेवर जो हैं वो काफ़ी गर्म दिख रहे हैं। जेडीयू भी जातीय जनगणना कराना चाहती है, लेकिन देर क्यों हो रही है? इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री लेशर सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है, तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि अब वो लगता है कि पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करना होगा। देखिए, पहले तो वो संकल्प ले लें कि यात्रा जो घोषणा किए हैं उस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में कई कार्यक्रम उनके द्वारा बनाया गया, यात्रा की बात कही गई, लेकिन सब फ्लॉप रहा। तब तो संकल्प पहले ले लेंगे, तभी ना दिल्ली जाएंगे। बिहार में तो घूम नहीं सके। तो आप मंत्री नीतीश कुमार भी तमाम बातों को रख रहे थे जाति जनगणना को लेकर, आपकी पार्टी का स्टैंड तो है ना कि हाँ कराएंगे? हम लोग के पार्टी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता का स्पष्ट है, पहले राय रख चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जाके सर्वदलीय नेताओं के साथ मिल भी चुके हैं, मजबूती से बात रख चुके हैं। इसमें कहाँ किंतु परंतु है। लेकिन बात 2020 से शुरू हुई थी, 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है बीच में कोरोना की लहर आई थी, लेकिन कब कराएंगे? सिर्फ आप लोग कह रहे हैं कि कराएंगे कराएंगे, इसलिए विपक्ष पूछ रहा है कि कब कराएंगे? देखिए, सही समय पर सही निर्णय हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं और ज़रूर लेंगे, उनका तो संकल्प है, जो भी बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। तो इसलिए बीच में तो 2 साल कोरोना से लोग परेशान थे। तो सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, सर्वसम्मति से 2 बार प्रस्ताव पारित भी है, तो कब कराएंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो लगता है कि दिल्ली तक वो पैदल जाना पड़ेगा। अब जाए ना, उनको कौन रोका है? पहले जो घोषणा किए हैं उस पर कायम रहे, दिल्ली तक यात्रा कर ले, तब ना हम लोग समझेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बोलते हैं वो करते हैं, सही समय पर जरूर निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि हाँ बिहार में जातीय जनगणना होगी? जरूर, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन मंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है वो करेंगे, और पहले तेजस्वी यादव संकल्प ले लें, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें, ये तमाम बातें बिहार के मंत्री ऋषि सिंह कह रहे थी। आने वाले समय में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। अब जाए ना, उनको कौन रोका है? पहले जो घोषणा किए हैं उस पर कायम रहे, दिल्ली तक यात्रा कर ले, तब ना हम लोग समझेंगे।